लड़का ही रेली काट दिया तने। इसकी क्यों, इसका जन्मदिन आ गई एक महीने पाछे। मैं तो सोची थी आप राजी हो गए, मैंने अवार्ड दोगे। अवार्ड तो दूंगा तने, रुक जा। हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप सभी गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, कोशी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और भाई एक बात, थैंक यू सो मच एवरीवन जो मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है, और जो भी नहीं जुड़ा हुआ है तो भाई जुड़ जाए। और जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सबको थैंक यू। तो भाई 1 लाख फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है, वो सब आप लोगों की वजह से है। तो थैंक यू सो मच गाइज। और भाई आज का व्लॉग थोड़ा शॉकिंग सा है मेरे लिए, और मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों का सिर मंडवा दिया है, गंजा करा दिया उनको। और भाई मुझे टेंशन सी हो रही है, टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि नेवी के पापा से बिना पूछे मैंने ये सब करवाया है, तो वो पक्का गुस्सा करेंगे। और वो भी शूट से आ रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा रिएक्शन देख लेना आप सभी। तो भाई ऐसे मैंने पूछ लेना चाहिए था उनसे, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बिना पूछे करवाना सही नहीं है। बट मैंने भी उन्हीं के बच्चों की भलाई के लिए करवाया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बच्चे बालों में बहुत परेशान हो रखे थे। वैसे मैं नेवी के छोटे बाल करवा सकती थी, बट ये सोच के करवाया कि अभी स्कूल नहीं जा रहा है और आगे स्कूल में जाएगा तो बनता ही नहीं है गंजा करवाना, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है हमारे टाइम में हो जाते थे काफ़ी टाइम तक गंजे, तो आज कल तो बच्चे करवाते नहीं है। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं भाई इतने स्कूल में नहीं जाते, इतने बाल कटवा देते हैं, थोड़े बाल और सही आ जाएंगे, फिर आगे तो कटवाने ही नहीं है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और अभी मुझे ये लग रहा है कि भाई ये मुझे गुस्सा करेंगे, बट ठीक है जो होगा देख लेंगे, इतना भी क्या गुस्सा करेंगे, आ जाएंगे, हरा भरा हो जाएगा सिर, अपने घर की खेती है। अरे 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 सुदामा सुदामा, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। तो गाइस ये देखो, गंजा होने के बाद रियांश इतना ज्यादा क्यूट लग रहा है, और ये इसका लुक आया है। ओहो रियांश ऊपर देखो, अरे वाह। तो गाइस ये देखो इतना सुंदर लग रहा, नेवी ऊपर फेस करना, बस हो गया, बस हो गया। तो भाई नेवी और रियांश के पापा आ गए हैं, मम्मी ने गेट खोला है, मैं नहाने गई हुई थी, तो बच्चे शायद इनके पास है, तो इनका रिएक्शन देखेंगे अभी। सरप्राइज, क्या कर दिया सरप्राइज, किस तरह पूछ के करवाए भाई। भैया हमने अपनी मर्जी चलाई, आपको कटवाना तो रेली काट दिया तने। तो क्या हो गया, ये बाल आगे तो है, ये कितने बेटा, ये कितने क्यूट लग रहे हैं, ये मम्मा ने यार दोनों ही क्यों करवाओ थी, तो किसकी करवाती इसकी क्यों, इसका जन्मदिन आ गई एक महीने पाछे है। आ जाए इतना काला सिर हो लेगा, टोपी पहना देंगे क्यों भाई, ये मेरा घर था ये काम कर रहे हो ना, तो क्या बात होगी जब सुतरे लग गए बाल, देखिए गोल मटोली कितना प्यारा लग गया। मैं तो सोची थी आप राजी हो गए, मैंने अवार्ड दोगे, अवार्ड तो दूंगा तेने, रुक जा, अवार्ड दूंगा तेने। ये देखो भाई कितने तो प्यारे लग रहे बच्चे, मम्मी किसे लाके से बताइयो, तू काम कर वो गलत हो सकता है। देखो मम्मी ने जान बूझ के कहा मम्मी तू काम कर, मम्मी ने खुद कटवाया, मम्मी ने बोली कि कटवा दे कहन दिए। आलू वर्गो बेटो लग लग रहे हो, आलू वर्गो गोल गोल बेटो, आलू को चालू बेटो। मम्मी मंदिर खातिर बहुत ज्यादा लेट हो रहे हो, दो फिर मैं गुरु मारी बहू इतनी काम आ रही से। इधर देखो इधर छाती फूका भाई, 11 बज गए हैं, ये मम्मी देखिए दूध तोड़ के लेकर आई है, और ये मंदिर जाओगी क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा लेट चला, जिनके बाल कटवाए थे तो उस वजह से काफी लेट हो रहा है हमारा। तो भाई आते के साथ नेवी ने ले ली चिप्स, और भैया देखो कौन कह रहा है भैया आप शूट पे से आए, शूट पे ये हाल करते गए आपका, ये बाल कैसे किए हैं, ये तो हो गया ना वैसे स्प्रे वगैरह से। हाँ भैया देखो शूट से आए हैं, रात भर शूट चला, अब ये सोएंगे। 6 घंटे तब सफर तय करके आया हूँ, अभी मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि इनको भूख लगी है, और अभी 11 बज चुके हैं देखो टाइम, और सब्जी वब्जी बन गई है, आटा लगा के रोटी सेकनी है, तो अभी कर देते हैं ऐसी तैयारी। तो भैया आज नेवी के पापा आए हैं,
गुड़गांव से क्या लेके आए हैं, शूट से लेके आए, गुड़गांव से लेके आए क्योंकि गुड़गांव रुके हुए थे। दिखाती हूँ भाई, वह सावन का महीना, तो जिसको खाना है घेवर खा लो। ये देखो भाई बहुत टेस्टी लग रहा है, अभी मैंने चेक नहीं किया टेस्ट करके नहीं देखा है, और बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये, शायद अपने लिए होंगे इनके। और एक और है, शायद ये मावे वाला है। तो गाइज ये वाला जो घेवर है ये मावे वाला है, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है मैटर। तो भाई अपना तो आ गया राशन पानी, मीठा बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी अभी, मैंने जैसे बताया था कि भाई मैं मीठा छोड़ूंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ और मैं डेली मीठा खाती हूँ, अब ये सब खाने के बाद ही मैं छोड़ूंगी क्योंकि हमारे घर पे कोई खाएगा नहीं, ये भी कम खाते हैं मीठा। मम्मी का भी, मम्मी बहुत खाती थी बट मम्मी का भी मीठा बहुत कम हो गया है। पापा जी को शुगर है तो बच्ची मैं, तो अगर मैं नहीं खाऊंगी तो कौन खाएगा, तो भाई मेरी तो हो गई है मौज। अभी मैं सो के उठी थी और उठने के बाद मुझे ऐसा दिखा कि भाई मौसम हो गया है बारिश वाला, ठंडा मौसम हो गया है बिल्कुल, और जितनी धूप थी वो गायब हो गई है, और इतनी ज़्यादा हुमस हो रखी है ना, बस पूछो मत। ये थोड़ी बहुत बारिश आती है फिर रुक जाती है, थोड़ी बहुत बारिश आ जाती है रुक जाती है, और इससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दिखा देती हूँ आपको हमारे घर के बाहर का व्यू कैसा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ऐसे लगता है जैसे हम पहाड़ों में रह रहे हैं। पहाड़ी है वैसे यहाँ पे, दिखाती हूँ पहाड़ यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ पे पहाड़ी है, सच में मजाक नहीं कर रही। तो गाइस ये देखो ये हरा भरा जो आप खेत देख रहे हैं, ये हमारे घर के पीछे आगे ये ऐसा रहता है। और ये देखो पहाड़ में बोल रही थी ना आपको, हमारे घर के बाहर मतलब घर के पीछे पहाड़ है, ये देखो सच में पहाड़ है ये। तो ये भी पूरा अंधेरा हो रखा था तो मेरा कोई वेट करता मिला, तो मैं उस वेट से मिलवाना चाहती हूँ आपको। देखो कौन आया है, इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे तो ये वेट कर रहे हैं इनकी तय लगानी है भाई। ये देख लो बर्तन, बर्तन वेट कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि भाई आप काम करे जा रहे हो, मतलब आपने आज पूरा काम कर लिया तो कल आपको कुछ नहीं मिलेगा, एडवांस काम रेडी रहते हैं, तो अपना जिस टाइम पे जो काम हो रहा है वो करते जाइए। तो भाई बर्तन वर्तन साफ हो गए हैं, कपड़े वपड़े लग गए हैं, और मैंने आज बनाई है खिचड़ी, और ये भी काफ़ी टाइम हो गया इनको भी हल्का फूड खाए, तो ये भी खिचड़ी खुश होके खाते हैं हमारे घर पे। खिचड़ी सीरियसली बहुत खुश होके खाते हैं सभी जो बनती है, ऐसा नहीं कि भी किसी के लिए एक के लिए कुछ अलग से रोटियां बनेंगी, खिचड़ी बना दिए सब आराम से खा लेंगे। भाई 7 दिन में मैं करना है और मैंने मनवाई खिचड़ी, या ममता मम्मा मम्मी का अलग दिया करा, तुम आया करा माँ घी, और तू आज इसमें ना नू दा दिया हम घी की तय पूरा पूरा तो पूरा। हेलो इसमें घी बता की तय, घी बता मैंने की तम तू मैंने दिखा तो दे, तू बताओ थी फिर आई हो रहा इसमें घी है, माँ तू इतने गाल लिया करे के बता दे है, बता दे तू चिट्ठी भाई 7 दिन में आया हूँ कम से कम नू बढ़िया घी दूध खुआ छोरा भाई बाहर ने काम दाम कर का आया है, हांड फिर का आया है गंजी, बस 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 बरगी इतना कौन खाओ भाई बे है भाई बहु बहुए हो है अब आदमी सही। और टकले ये देख लो भाई मेरे टकले, मेरा तो खून फूक गया था उन्होंने देख कर टकला नेवी टकले और टकले। ये देखो भाई टकले ना मेरा एयरबैंड लगा रखा हुआ है टकले, इधर आ ये मेरा एयरबैंड दे टकले ये मेरा है, तू कहाँ लगाएगा इसको, कहाँ लगाएगा इसको तू,